हेलो एवरीवन, आज एक न्यूमेरिकल करेंगी हार्ट नील गवर्नर पे बेस्ड। इससे पहले भी हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो जस्ट पहले देखते हैं कि न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है। अ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर ऑफ द हार्ट नील टाइप हैज़ आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ। जब भी हम हार्ट नील गवर्नर की बात करते हैं तो आर्म्स की अगर बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, लीवर ड्रॉ करेंगे, जो हमारा बेल क्रैंक लीवर था, जो हमने डेरिवेशन में भी अच्छे से डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, एक फ्री हैंड लाइन डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। आर्म्स इक्वल है, मतलब कि ये वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल आर्म है ये हमें इक्वल गिवन है। और जस्ट आपको पता होगा जब डेरिवेशन हमने किया था तो कुछ हमारी जो स्पिंडल एक्सिस होती है, जो गवर्नर एक्सिस होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है स्ट्रेट। तो मैंने वो यहाँ पर ड्रॉ कर दिए और यहाँ से क्या होता है, वो ये लीवर होता है, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले एंड पे एक बॉल लगी होती है, ठीक है, ये हमारा डायग्राम होता है। और इस वाली डिस्टेंस को हमने बोला था सी, इस वाली डिस्टेंस को हमने बोला था बी। जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने ये एजम्पशन लेके चले थे सी एंड बी। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने सी एंड बी लिया था तो हम वही को आगे लेके चल रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हैज़ आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब कि हमें गिवन है सी इज़ इक्वल टू बी, क्लियर। ये हमें गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमें क्या क्या गिवन है ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। नेक्स्ट, द मासेज रोटेट इन अ सर्कल ऑफ 130 mm डायमीटर व्हेन द स्लीव इज इन द मिड पोजीशन। जो आपकी स्लीव है वो मिड पोजीशन में, मतलब कि आपका ये जो सी है वो वर्टिकल इस तरीके से इस वाली एक्सिस के पैरेलल में है। जब स्पीड कम ज़्यादा होती है तो हमने देखा था कि एक बार हमारा सी इस तरह से होगा, एक बार हमारा सी कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन अभी मिड पोजीशन पे, मतलब कि इस तरीके से हमारा ये आर्म है, क्लियर। तो हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है हमें 130 mm। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 130 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगी, अगर हम इससे रेडियस निकाल ले तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 130/2, एंड 130/2 करोगे तो कितना आ रहा है, 65 mm, क्लियर। ये हमें गिवन है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, एंड द बॉल आर्म्स आर वर्टिकल, ठीक है, ये हमने समझ लिया है। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर दिस पोजिशन इज 450 rpm नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। मतलब हमें n गिवन है, इक्विलिब्रियम स्पीड दे रखी है हमें n 450 rpm, क्लियर, ये हमें दे रखा है। अब आगे क्या दे रखा है हमें, द मैक्सिमम स्लीव मूवमेंट इज टू बी 25 mm। मैक्सिमम स्लीव मूवमेंट, जब भी हम बात करते हैं स्लीव मूवमेंट की तो इस वाली एक्सिस पे, जो ये हमारी गवर्नर एक्सिस है, स्पिंडल एक्सिस बोल लो आप, तो इस पे हमारी ये जो आर्म है जो स्लीव पे कितना अप एंड डाउन मूवमेंट करती है, उसको हमने स्लीव मूवमेंट बोला था जब हमने डेरिवेशन किया था, बहुत अच्छे से हमने इसको समझा था। तो उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एच से, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 25 mm, क्लियर। नेक्स्ट दे रखा है, एंड द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ स्पीड टेकिंग इन अकाउंट द फ्रिक्शन टू बी 5% ऑफ द मिड पोजिशन स्लीव। मतलब जब आप फ्रिक्शन लेके चलते हो तो आपका जो स्पीड चेंज दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5% दे रखा है। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए, हम इसको वापस से पढ़ेंगे। द मास ऑफ द स्लीव इज 4 kg, स्लीव का मास हमें दे रखा है 4 kg, मतलब कि हमें कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है 4 kg, क्लियर। एंड द फ्रिक्शन मे बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 30 N एट द स्लीव। अब यहाँ पर हमें फ्रिक्शन की वैल्यू भी गिवन है, फ्रिक्शन फोर्स मतलब कि फ्रिक्शन एफ की वैल्यू हमें गिवन है 30 N, क्लियर। अब हमें दे रखा है द पावर ऑफ द गवर्नर मस्ट बी सफिशियंट टू ओवरकम द फ्रिक्शन। मतलब कि अगर फ्रिक्शन को कम करना है तो कितना पावर चाहिएगा, होगा कितनी स्पीड में चेंज होगा, वो दे रखा है। द पावर ऑफ द गवर्नर मस्ट बी सफिशियंट टू ओवरकम द फ्रिक्शन बाय 1% चेंज ऑफ स्पीड इधर वे एट मिड पोजिशन। अब यहाँ पर एक लाइन जो आपको मैंने पहले बोली थी कि एक मिनट रुकी है, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, वहाँ पर दे रखा है 5% और यहाँ पर दे रखा है 1%। तो एक बार दे रखा है जब हम फ्रिक्शन के साथ कंसिडर करते हैं तो 5% गिवन है, और जब हम फ्रिक्शन को ओवरकम करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पीड चेंज कितना दे रखा है हमें, 1% दे रखा है। तो इन दोनों डेटा को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं ताकि हमें समझ में आएगा कि क्या कब गिवन है। तो मैं यहाँ पर कैटेगराइज कर देती हूँ दो में, लिखने का तरीका जस्ट ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार हम लेके चल रहे हैं,
जब फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जब फ्रिक्शन दिया हुआ है, जब हम फ्रिक्शन को लेके चल रहे हैं, तो स्पीड वेरिएशन कितना है, ठीक है, तो स्पीड वेरिएशन कितना दे रखा है हमें फ्रिक्शन को जब हम लेके चल रहे हैं, डेट इज़ 5%, क्लियर। तो मतलब कि 5% वेरिएशन है, जो मीन स्पीड है उससे 5% ऊपर या 5% नीचे। अब 5% को अगर देखा तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 5/100 मतलब कि 0.05, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब मैंने मान लिया कि जो मीन स्पीड है वो कितनी है, लेट मीन कितनी है, ओमेगा, क्लियर, मीन कितनी है हमारी, ओमेगा। तो क्या कंडीशन बनेगी, एक मिनिमम की बनेगी, एक मैक्सिमम की बनेगी। तो मैं यहाँ पर इसको शो कर देती हूँ, एक बार लिख देती हूँ मिनिमम के लिए, एक बार लिख देती हूँ मैक्सिमम के लिए, ठीक है, समझ में आए, कन्फ्यूज़न ना हो इस तरीके से बता रही हूँ। अब मिनिमम क्या होगा, मीन तो हमारी ओमेगा है, वेरिएशन हमारा स्पीड वेरिएशन दे रखा है 0.05, 5% दे रखा है। तो मतलब मिनिमम के लिए क्या करो, एक बार ओमेगा माइनस किसका 5% है, इस मीन का ही 5% है, तो 0.05 ओमेगा, क्लियर। सिमिलरली मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ओमेगा प्लस 0.05 ओमेगा। अब यहाँ पे ओमेगा लिखना जरूरी है, क्योंकि जो आपका स्पीड वेरिएशन 5% है वो किसका रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, आपका मीन स्पीड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, क्लियर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें एन की वैल्यू गिवन है। अब एन की वैल्यू गिवन है तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, 2πn अपॉन 60 कर सकते हैं। एन की वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 450, 2π मल्टीप्लाई बाई 450 अपॉन 60। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में वैल्यू आएगी 47.13, ये आपके पास में वैल्यू आएगी 47.13 रेडियन पर सेकंड, क्लियर, दिखाई दे रहा है प्रॉपर पूरा। तो ये हमारा ओमेगा निकल के आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये मिनिमम और मैक्सिमम में जब हम फ्रिक्शन को काउंट कर रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं, ओमेगा की जगह हमें क्या रखना है, 47.13 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाई 47.13। तो इसी को हम कर रहे हैं सॉल्व, ओमेगा की जगह जस्ट 47.13 आप रखोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी कुछ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओमेगा माइनस 0.05 ओमेगा, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 0.95 ओमेगा, और ओमेगा प्लस 0.05 ओमेगा को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.05 ओमेगा, क्लियर। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में ये निकल चुकी है 47.13, तो मैं इसी के अंदर पुट करूँगी, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, उधर 0.95 मल्टीपल बाई 47.13, तो इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आ रही है कुछ अप्रॉक्स 44.8 यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकंड, क्लियर। सिमिलरली जब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तब भी यही काम करना है, 1.05 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा कितना है, 47.13, इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 49.5 अप्रोक्स। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉइंट में वेरिएशन होता है, थोड़ा बहुत चलता है, कभी कभी हमारी मिस्टेक हो जाती है, तो इतना लोड नहीं लेना है, आपका प्रोसीजर सेम अच्छे से होना चाहिए, बाकी वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे हो तो चलेगा, इसीलिए अप्रोक्स वर्ड में बार बार यूज़ करती हूँ। तो 49.5 रेडियन पर सेकंड ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, क्लियर। तो जब हमने फ्रिक्शन की बात करी है तो हमारे पास में ओमेगा मैक्सिमम और ओमेगा मिनिमम की वैल्यू आ गई है। जो ओमेगा मिनिमम होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा वन। तो मतलब कि ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा वन की है, और ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा टू की। कब, जब हमने फ्रिक्शन वाली बात करी है, जो हमें गिवन है जिस तरीके से। अब हम देखते हैं दूसरा केस, एक और लाइन क्या गिवन थी हमें, द पावर ऑफ द गवर्नर मस्ट बी सफिशियंट टू ओवरकम द फ्रिक्शन बाई 1%। जब हम फ्रिक्शन को ओवरकम करने की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन टू ओवरकम, तो हम क्या करेंगे, स्पीड जो चेंज दे रखा है वो हमें 1% दे रखा है, तो मैं इस तरीके से आप लिख देती हूँ, टू ओवरकम फ्रिक्शन, ताकि आपको समझ में आएगा, आई होप दिखाई दे रहा है, ठीक है, टू ओवरकम
फ्रिक्शन, उस कंडीशन में हमें स्पीड चेंज कितना दे रखा है, स्पीड चेंज डेट इज़ 1%, 1% किसका जो स्पीड है उसी का 1% चेंज दे रखा है, मतलब कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 0.01, 1/100 करोगे तो 0.01 आ जाएगा। तो अब वही बनेगा, एक मैक्सिमम बनेगा, एक मिनिमम बनेगा, जो हमारा मीन हम लेके चल रहे हैं एवरेज, वो क्या लेके चल रहे हैं हम, ओमेगा लेके चल रहे हैं, तो वही लेके चलेंगे। अब कंडीशन में क्या बन रहा है, दो कंडीशन बन रही है, एक मिनिमम के लिए हम ले रहे हैं ओमेगा 1, मैक्सिमम क्या हो गया ओमेगा 2, ठीक है, सेम जैसे हमने पहले किया था। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस 0.01 ओमेगा, और मैक्सिमम में ओमेगा प्लस 0.01 ओमेगा। ये भी देख लो कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, जो डेटा है उसमें से भी आप माइनस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वैल्यू कम ही आएगी, तो वो मिनिमम ही होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना कि किस तरीके से याद रखे, ओमेगा 1 को हम शुरू से मिनिमम लेके चल रहे हैं 1 को, और 2 को शुरू से मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, तो हम यही नोटेशन आगे लेकर चल रहे हैं, क्लियर। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इस तरीके से आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे ओमेगा माइनस 0.01 ओमेगा को, तो क्या बनता है 0.99 ओमेगा, बनता है 0.99 ओमेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ इस तरीके से 0.99 ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जो हमने निकाली थी, ये हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी 47.13। तो इसमें आप ओमेगा की जगह क्या रखोगे, 0.99 मल्टीप्लाई बाई 47.13। तो सॉल्व करने के बाद में आपके पास में वैल्यू आएगी अप्रोक्स 46.66 रेडियन पर सेकंड। वो क्या वैल्यू आई है, ओमेगा 1 की वैल्यू आई है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे ओमेगा 2 के लिए। ओमेगा 2 की वैल्यू जब आप ये सॉल्व करते हो तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करने पे 1.01 ओमेगा प्लस 0.01 ओमेगा, ओमेगा कॉमन ले लोगे तो क्या हो रहा है 1 + 0.01, तो सॉल्व करने पे क्या बन रहा है 1.01 ओमेगा, क्लियर। ओमेगा की जगह क्या रखना है 1.01 मल्टीप्लाई बाई 47.13। तो सॉल्व करने के बाद में क्या वैल्यू आ रही है इसकी, अप्रोक्स आएगी 47.6 एंड यूनिट इज रेडियन पर सेकंड, क्लियर। तो ये हमने अभी तक क्या बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वही चीज़ हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने और कुछ नया नहीं किया है। और हम क्वेश्चन को आगे रीड आउट कर लेते हैं। डिटरमाइन नेग्लेक्टिंग ऑब्लिक्विटी इफेक्ट ऑफ आर्म्स। ऑब्लिक्विटी इफेक्ट ऑफ आर्म्स का मतलब होता है कि आपकी आर्म्स ना किसी एंगल पे नहीं है, कोई ऑब्लिक एंगल पे नहीं, कुछ भी एंगल पे नहीं है, आपकी आर्म्स इस तरीके से वर्टिकल है। ये मतलब जब हम करते हैं, जब मूवमेंट लेते हैं, हमने डेरिवेशन किया था तो हमने वहाँ पे आर्म्स को इस तरीके से या इस तरीके से इंक्लाइन ना मान के, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो कि ये वाली है वही मान के हमने क्या किया था, डेरिवेशन सॉल्व किया था। तो न्यूमेरिकल में भी हमें वही कंडीशन मान के सॉल्व करना होता है, तो और कुछ नहीं, इसमें घबराना नहीं है। पूछा क्या गया है, द वैल्यू ऑफ ईच रोटेटिंग मास, मतलब कि जो ये मास लगा हुआ है इसकी आपको वैल्यू पूछी गई है। तो रोटेटिंग मास की वैल्यू पूछी गई, मतलब कि हमें क्या पूछा गया है, स्मॉल m हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। और हमें क्या पूछा गया है, द स्प्रिंग स्टिफनेस इन न्यूटन पर mm, स्प्रिंग स्टिफनेस पूछी गई है, k यूनिट क्या होनी चाहिए उसकी, न्यूटन पर mm, ठीक है, न्यूटन पर मीटर में नहीं निकालना है, जो हमसे पूछा गया हमें वही निकालना है, क्लियर। एंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग निकालना है, वो क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में जब हम करेंगे तभी मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से उसको निकालना है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल कंप्रेशन भी हमें क्या करना है, निकालना है, क्लियर। तो ये अभी तक हमने जो किया है वो हमने न्यूमेरिकल रीड किया है, क्या गिवन है क्लियरली वो देखा है, क्या इनडायरेक्टली हम निकाल सकते हैं वो हम डेटा यहाँ पे निकाल चुके हैं। फ्रिक्शन को लेके चले थे तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमारा ये वैल्यू निकली है, जब ओवरकम फ्रिक्शन की बात कर रहे थे उसको कम करने की तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमारी वैल्यू ये वाली निकली है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया, अब हम आगे चलते हैं। एम क्या है हमारा, रोटेटिंग क्या, ये तो कैपिटल एम तो क्या है हमारा, स्लीव का मास है, और जो स्मॉल एम जो हमें निकालना है वो रोटेटिंग मास है, ठीक है। तो हमने उसका वैल्यू मान लिया है, सपोज करो कि एम कोई वैल्यू है और जो क्या होगा केजी के अंदर होगा, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो जस्ट अब हम देखते हैं इसके अंदर कि अब हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, हमें क्या करना होगा।
तो हम मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं मिड पोजीशन पे, तो हमने जब डेरिवेशन सॉल्व किया था तो हमारे पास में दो जो इक्वेशन निकल के आई थी वही वाली इक्वेशन को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। कौन सी इक्वेशन निकल के आई थी मैं आपको बता देती हूँ, फॉर मिनिमम स्पीड एट मिड पोजीशन, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, फॉर मिनिमम स्पीड एट मिड पोजीशन, ठीक है, फॉर मिनिमम स्पीड एट मिड पोजीशन हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आया था डेट इज एफ एस वन प्लस कैपिटल एम जी। अब यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन भी हमें दे रखा है, और जब हम मिनिमम कंडीशन की वन नोटेशन लेके चल रहे हैं, मतलब कि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स माइनस होगा। अगर किसी को भी डाउट है कि हमने F क्यों लिया है, तो मैं बता देती हूँ कि हमें न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन गिवन है तो हमें यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। अब किसी का ये डाउट आता है कि माइनस ही क्यों लिखा है, तो इससे पहले जो मैंने गवर्नर के वीडियोस आपको पढ़ाए हैं उसमें मैंने क्लियरली आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जब मिनिमम होता है तो माइनस आता है, क्यों आता है वो लॉजिक मैं आपको दे चुकी हूँ पहले, तो आप पहले के वीडियोस देखना एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इज इक्वल टू टू एफ वन मल्टीप्लाई बाई सी बाई बी, ये किसके लिए होगा, मिनिमम कंडीशन के लिए होगा, क्लियर। अब यहाँ पे C और B की वैल्यू क्या है, इक्वल है। सपोज करो C की वैल्यू मैंने मान ली वन, B की वैल्यू मान ली वन, दोनों इक्वल है तो क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको तो मैं क्या लिख सकती हूँ, उस तरीके से इसकी वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, वन लिख सकती हूँ डायरेक्ट। अब हमारे पास में जो जो बच्चा है उसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, क्लियर। एफ एस वन, अब यहाँ पर क्या है कि इनिशियली हमें ना एस वन एफ एस वन गिवन है फ्रिक्शन फोर्स, ना एफ एस टू गिवन है, तो हम क्या लेकर चलेंगे कि एफ एस हमारा स्प्रिंग फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इस टर्म को क्या लिख देती हूँ, एफ एस लिख के देती हूँ। जब हम फ्रिक्शन लेकर चलेंगे तो हम इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारे पास में एक ही अनोन होना चाहिए तो मैं इसको एफ एस ही मान रही हूँ, क्यों मान रही हूँ भी समझ में आ जाएगा। प्लस एम जी, एम जी की मतलब कैपिटल एम ने हमें दे रखा है 4 के जी, 4 9.81 माइनस एफ की वैल्यू दे रखी है 30 न्यूटन, क्लियर। ये हमें दे रखी है, मैंने वही लिखी और कुछ भी नया नहीं किया है। इज इक्वल टू 2। अब एफ वन फिर नहीं है हमारे पास में, एफ वन क्या होता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमने निकाला ही नहीं है, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी निकालना होगा, क्लियर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसी तरीके से हम निकालते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एफ, उसकी वैल्यू होती है हमारी एम आर ओमेगा स्क्वायर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एम एफ वन की, तो यहाँ पे एम तो ऐसा ही रहेगा, आर क्योंकि अभी हमारे पास मिड पोजीशन में हम ये आर लेके चल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है हमारी, आर है, ठीक है, तो हमें आर ही गिवन है। आर ओमेगा के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर ओमेगा वन का स्क्वायर। ओमेगा वन स्क्वायर कौन सा लेंगे, जब हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जब फ्रिक्शन मतलब नहीं कर रहे ऐसा तो नहीं बोल रहे कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं टू ओवरकम फ्रिक्शन, जो हमें डेटा दे रखा है हमें वो इनिशियली यूज़ करना होगा, तो उसमें हमें ओमेगा वन दे रखा है 46.66, क्लियर। तो मैं यहाँ पर मैंशन करूँगी, ठीक है, 46.66, तो मेंशन करने के बाद सॉल्व करना होगा हमें इसको, और R की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 65 mm, तो M ऐसा का ऐसे ही रहने दो। R की वैल्यू क्या होगी, mm की जगह हमें मीटर में लिखनी है, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.065, ओमेगा कितना हो जाएगा, 46.66। इसको मुझे सॉल्व करना है, जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू आएगी कुछ 141.5, क्लियर, ये मेरे पास में वैल्यू आई है, ठीक है, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई है। अब मुझे क्या करना है, F2 भी मुझे चाहिए, तो F2 निकालने के लिए सेम कंसेप्ट रहेगा, आपको जस्ट ओमेगा 1 की जगह क्या करना है, ओमेगा 2 की वैल्यू पुट करनी होगी, तो मैं यहीं पे निकाल दूँ साथ में, ताकि हमें बाद में सिर्फ पुट करनी रहेगी, एम आर ओमेगा 2 का स्क्वायर, जैसे 1 का आया था वैसे 2 का स्क्वायर, तो एम ऐसे का ऐसे ही रहा, आर हमारा कितना है 0.065, एंड ओमेगा 2 कितना है हमारे पास में 47.6, तो 47.6 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में अप्रोक्स वैल्यू आएगी
147.3। क्लियर, ये आपके पास में वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास में F1 आ गया है, F2 आ गया है। अब हमें क्या करना है, वापस यहीं पे आ जाना है जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो हम कहाँ पे अटके थे, हमारे पास में F1 की वैल्यू नहीं थी, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू लिख देती हूँ 141.5। क्लियर, ये हो गया। तो अब हमें इसी को और आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं इसको, Fs प्लस, जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 को मल्टीप्लाई करोगे 9.81 से 30 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 9.24, एंड इसको आप देखोगे तो आएगी आपके पास में 283। अब यहाँ पे देखो, आप मैंने सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू लिखी, लेकिन जो m आ रहा है वो साथ में चल रहा है, लेकिन हमने उसको m को लिखा ही नहीं है अभी। तो ये मिस्टेक इन जनरल हम एग्ज़ाम में कर देते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है। तो यहाँ पर क्या चलेगा, साथ में आपका m भी चलेगा और यहाँ पे क्या चलेगा, आपका m भी चलेगा, क्योंकि m की वैल्यू तो हमें निकालनी है, अननोन है m, तो हम इसको m की टर्म्स में ही रहने देंगे। तो 283 m, क्लियर, 283 m, और जो फोर्स की वैल्यू होगी वो किस में होगी, न्यूटन में होगी। क्लियर, तो ये मीटर नहीं है, ये मास है, mkg। क्लियर, ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को आप नाम दे दो कुछ भी, मैं इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ताकि हम बाद में जब करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यही काम हमें क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड के लिए करना है। ये तो मिनिमम स्पीड की बात हो गई, अब सेम काम हमें मैक्सिमम स्पीड के लिए करना है। तो मैं यहाँ पे पेन दूसरा ले लेती हूँ, फॉर मैक्सिमम, अब पूरा नहीं लिख रही हूँ, फॉर मैक्सिमम स्पीड एट मिड पोजीशन, आप समझ जाना। तो नोटेशन क्या हो जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, FS2 प्लस MG, M कैपिटल है, ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बार बार। अब यहाँ पर मैक्सिमम में क्या होता है, प्लस F आता है। अगर हमें फ्रिक्शन गिवन ही नहीं होता तो ना प्लस माइनस का लफड़ा होता कुछ, आप F पे सिंपल जीरो होता, आपका कुछ करना ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमें F गिवन है इसलिए हम F को लेकर चल रहे हैं, 2F2। अब यहाँ पर सेम इसको FS हमने माना है, प्लस M की वैल्यू कितनी है, 4 × 9.81 माइनस के 30, ये हमारा ये वैल्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई F2 की वैल्यू निकल के आई है 147.3। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो FS प्लस, इसको सॉल्व करोगे 4 मल्टीप्लाई बाई 9.81 एंड देन सब्ट्रैक्ट करोगे 30 से, तो आपका आएगा 69.24, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस करोगे 30 से तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, इज़ इक्वल टू आपका, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, m भी आएगा, जो कि आप भूलना मत, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, बहुत से बच्चे यहाँ पे m मेंशन करना ही भूल जाते हैं जो निकाल रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद में याद आता है कि अरे हमारा m कहाँ गया, तो ये m साथ में लेकर चलना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 294.6 m, m मतलब मास, जो कि kg के अंदर है, मीटर नहीं है, बार बार बता रही हूँ। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। अब छोटा सा ये मेरा शीट है तो ये पूरा भर चुका है, तो हम दूसरी वाली शीट यूज़ करेंगे यहाँ पर अभी। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन नंबर जो 2 है, इनको हमें सॉल्व करना है। FS सेम लिया है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अननोन क्या बचा हमारे पास में, m बचा है, ठीक है। तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं, तो 2 − 1 कर रहे हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, 2 − 1, इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, क्लियरली। तो क्या होगा, FS माइनस FS 0, 69.24 माइनस 9.24, इसको जब आप करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 60, क्लियर, इक्वल 294.6 माइनस 283, m तो कुछ चल ही रहा है, साथ में m चलता ही रहेगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 11.6 m। अब यहाँ पर m ही अननोन है तो m क्या हो जाएगा, 60 / 11.6, इसकी वैल्यू आ रही है 5.17। अब 1 के बाद में क्या है, 5 से ज़्यादा का नंबर होता है, तो मैं इसको हमेशा क्या करती हूँ, 5.2 इस तरीके से लिख लेती हूँ kg। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई है, क्या निकाला है हमने,
स्मॉल एम की वैल्यू हमने निकाली है, डेट इज़ 5.2 kg, और ये हमारा फर्स्ट आंसर है। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब वो तो आप ही बताओगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, बट मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये हमने एम की वैल्यू निकाल ली है। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछा है, अभी हमारा क्वेश्चन हाफ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? जस्ट आप मान सकते हो कि हाफ कंप्लीट हुआ है। अब हमें पूछा गया है, एम हमने निकाल लिया है, के हमें निकालना है, स्प्रिंग स्टिफनेस हमें निकालनी है, और हमें क्या निकालना है, इनिशियल कंप्रेशन। तो हम पहले निकाल देते हैं के की वैल्यू। के क्या होता है हमारा, स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है हमारी, स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय आपका डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब कि स्लीव मूवमेंट, जो कि हमारा एच होता है। तो एच हमें गिवन है, बट हमारा जो स्प्रिंग फोर्स होता है Fs2 - Fs1, वो हमारे कुछ भी आता पता नहीं है ना, हमारे पास में Fs1 है ना हमारे पास Fs2 है, नहीं है ना। तभी एक बार हमने यहाँ पे तो इनिशियली हमने उसको इक्वल लेके चले थे, लेकिन अब हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी, तब भी हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन लकीली हमें क्या मिल गया है, एम मिल गया है, जो कि हमने निकाल लिया है। तो ये हम यूज़ करेंगे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, कंसिडरिंग फ्रिक्शन वाला केस लेके चलेंगे। तो जब हम फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास में ω1 और ω2 की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली आई थी। तो मैं इसको यहाँ पर इस पेज पर लिख देती हूँ, जब हम फ्रिक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। ये मैं इसलिए लिख लेती हूँ ताकि बार बार मुझे पेज को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? जब हम फ्रिक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या है ω1 की और ω2 की, ये हमारी वैल्यू है 44.8 और 49.5, यही वैल्यू है हमारी, ये मैंने यहाँ पे लिख ली है। यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड ही होएगी, रेडियन पर सेकेंड ही होएगी। क्लियर? तो हम इस वाले पेज पे हमारा काम करते हैं। एम हमारे पास में आ गया, ω1 ω2 हमने निकाल लिया है, पहले ही निकाल लिया था इनिशियली। आप चाहो तो इस वाली स्टेज पे आके भी उसको सॉल्व कर सकते हो ω1 ω2 को, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन को कितनी बार रीड करें हम, और बार बार रीड करके हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। तो मैंने एक ही बार में आपको इनिशियल लेवल पे बता दिया, अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें Fs1 Fs2 निकालना है। Fs1 Fs2 क्या होता है, ये होता है आपका स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? F1 F2 क्या होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगे, जो कि अभी हमने माने थे। अब यहाँ पर हमारे पास में देखा जाए, Fs1 Fs2 तो हम निकाल लेंगे, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले वाले अभी केस में किया था। तो F1 क्या होगा, mr ω1 स्क्वायर, सेम जो हमने पहले किया था, वहाँ पे हमने ω1 ω2 की वैल्यू कुछ अलग रखी थी, यहाँ पे हम कुछ अलग रखेंगे। क्लियर? और वहाँ पे हमारे पास में m की वैल्यू भी नहीं थी, यहाँ पे हमारे पास में m की वैल्यू भी है। क्लियर? तो m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में, 5.2। यहाँ पर r कितना है हमारे पास में, 0.0, सॉरी यहाँ पर मैं यही मिस्टेक करने वाली थी, जो कि मैं करते करते रुक गई हूँ। यहाँ पे जो हमें इनिशियल लेवल पे हमें r गिवन है, अब हमें वो वाला r नहीं रखना है। हमारे पास में क्या होगा, m निकल चुका है, ω1 हमारा हमने निकाल चुके हैं मतलब, तो यहाँ पे R1 आएगा, और R1 R2 भी हमारे पास में नहीं है। तो इसको यहीं पे पोज करते हैं, पहले हम R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। R1 एंड R2 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। R1 इज़ इक्वल टू R-H1C/B, और R2 की निकालेंगे R+H2C/B। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि ये वैल्यू मैम कैसे लिख दिया आपने, ठीक है? तो ये वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, ये वैल्यू कैलकुलेशन के दौरान आती है, जब हमने डेरिवेशन किया था। तो देखो डेरिवेशन वाला पेज यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ। जब हमने डेरिवेशन किया था, तो डेरिवेशन में देखो इस तरह का डायग्राम बना था, मैंने यहाँ पे आपको एच निकाल के बताया था, B r2 - r1 / c। अगर न्यूमेरिकल ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहले अगर आपने डेरिवेशन नहीं देखा है, सिर्फ फॉर्मूला रट के आप आए हो यहाँ पे, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप वो डेरिवेशन ज़रूर देखें, क्योंकि डेरिवेशन के दौरान जब हम स्टेप्स करते हैं अलग अलग, तो वहाँ से अलग अलग कॉन्सेप्ट निकल के आता है
किस तरीके से कौन सी वैल्यू आई है, तो वो चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस आर टू माइनस आर वन ये देखा था, तो h निकाला था हमने, तो क्या होता है b इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये डिस्टेंस मतलब कि आर्क, और ये आर्क क्यों है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ये r, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस आपकी क्या है c, तो आर्क अपॉन आपका रेडियस, इस तरीके से निकाला था। तो अब हमारे पास में क्या है, आर वन भी नहीं है आर टू भी नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अगर आपको ये सुनने में लग रहा है कि नहीं हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जाए, फॉर्मूला याद कर लेंगे हम, तो आप ये जस्ट कॉन्सेप्ट आप स्किप कर सकते हो, और अगर सुनना चाहो तो आप ये सुन सकते हो। आर टू माइनस आर वन यहाँ पे लिया था, पर हमारे पास में आर टू भी नहीं है आर वन भी नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक बार हमने आर टू और ये मिड वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जो मैं पेंसिल यहाँ पर रख देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आर है, सेंटर जो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उससे लेके यहाँ तक आर है, तो एक बार आर टू और आर केस लेके चल रही हूँ, और एक बार जब हमारी आर और आर वन लेके चल रही हूँ, तो यहाँ पर एक बार क्या लिया है मैंने आर टू माइनस आर, और एक बार मैं लूँगी आर माइनस आर टू आर वन, तो आपको जब सॉल्व करोगे एच की वैल्यू वो लेके, तो आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे कि मैंने पिछला न्यूमेरिकल करवाया था, तो पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखो क्या किया था, आर टू माइनस आर वन लेके चले थे, और वहाँ से हमने इस तरीके से आर टू निकाला था तो अब जस्ट आप यहाँ पे R2 माइनस R1 की जगह क्या करोगे, एक बार R2 माइनस R करोगे, और एक बार तो R2 माइनस R कर दिया, एक बार R माइनस R1 लेके चलोगे, तो हम उस केस से R2 भी निकालेंगे और R1 भी निकालेंगे। तो ये अगर मैं आपको अभी बताऊंगी तो न्यूमेरिकल और लेंदी हो जाएगा, तो मैं जस्ट आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रख के देखना, आपकी वैल्यू आ जाएगी, यही फॉर्मूला आएंगे जो मैं आपको लिखा के दिखा रही हूँ अभी। R1 की आएगी आपकी ये, R2 की आएगी आपका ये। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बता दूंगी। क्लियर? अगर आपने डेरिवेशन अच्छे से देखा है, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल अच्छे से देखा है, तो ये आपको दिक्कत नहीं देगा, आप फटाफट साइड में सॉल्व कर लोगे। R1, R2, R हमें गिवन है, तो इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो R की जगह हम क्या रखेंगे वैल्यू, 0.065 जो कि हमें इनिशियली गिवन थी, 65 mm गिवन थी ना, तो वही है। अब यहाँ पर H1 क्या ले, आपका जो कंडीशन होती है, फिर से मुझे यही पेज उठा के लाना पड़ा, ये हमारा क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ तक H होता टोटल, जो ये चीज़ है वो H1 और ये चीज़ है वो क्या है आपकी H2, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ना H1 गिवन है ना H2 गिवन है, तो मतलब हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर, ये H1 और ये H2 बराबर है। क्लियर? मिड पोजिशन पर मान के चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका H1 क्या हो जाएगा, H/2, और H/2 लिख देती हूँ अभी यहाँ पर, और C/B तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 हो जाएगा, ये C/B तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि C और B हमें इक्वल दे रखे हैं। सिमिलरली R प्लस H/2, अब H की वैल्यू क्या है, हमें 25 mm गिवन है, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.025 यही होगा, हाँ, अपॉन 2। जब आप इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करते हो तो आपकी R1 की वैल्यू आएगी 0.0525 मीटर। अब इसी तरीके से H की वैल्यू जब यहाँ पे आप रखोगे 0.025, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पर 0.0775 मीटर। तो ये मेरे पास में R1 है, ये मेरे पास में R2 है, ये मेरे पास में R1 है, ये मेरे पास में R2 है। तो अब मैं F1 में जो अटक गई थी, यहाँ पे R1 नहीं था, तो R1 की जगह मैं क्या रखने वाली थी, R रखने वाली थी, जो कि मेरा सब कुछ काम ख़राब हो जाता है यहाँ पे। तो क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, 0.0525 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना है, 44.8 का स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, F1 निकल के आ जाएगा। F1 कितना आएगा, जस्ट कैलकुलेशन करनी है, इसको सॉल्व करते हैं, 548 न्यूटन, ये आपकी वैल्यू आई है F1 की अप्रोक्स, तो ये हमारा F1 आ गया। तो सेम वे में हम साथ ही साथ F2 भी निकाल लेते हैं, F2 क्या होगा, R2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, m हमारा है 5.2, R2 की वैल्यू है हमारी 0.0775, ओमेगा 2 की वैल्यू है
49.5 स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 987 न्यूटन, ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू है। तो ये आपका F2 हो गया, ये आपका F1 हो गया। यहाँ तक का काम समझ में आ गया, हमने F1 F2 निकाल लिया। R1 R2 R2 हमको इस तरीके से निकालने पड़े क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, कुछ भी डेटा हमें इस तरह से दे नहीं रखा है। तो जब आपको डेटा नहीं गिवन हो तो आपको ये कंसेप्ट लगाना है, जो आपका डेरिवेशन का जो कॉन्सेप्ट समझाया था, R2 माइनस R1 की जगह आप दो कंडीशन लेके चलोगे। मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, R2 माइनस R1 की जगह क्या लेके चलना है, R2 माइनस R लेके चलना है एक बार, और एक बार R माइनस R1 लेके चलना है। और देन अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे। क्लियर, अब इसी न्यूमेरिकल में आगे चलते हैं, अभी तक पिक्चर बाकी है, ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, तो बने रहो। फॉर्मूला वही लगाना है जो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेके चलते हैं, जो हमारी जो इक्वेशन हम यूज़ कर रहे थे सॉल्व करने के लिए, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या है वो इक्वेशंस, FS1 प्लस कैपिटल MG माइनस F इज इक्वल टू 2F1 मल्टीप्लाई बाई C/B। ये कंडीशन किसके लिए है, जब हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। वन नोटेशन जब भी हमने लिया है तो मिनिमम स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं तब की हमने लिया है। मैं बहुत ज़्यादा रामायण यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ कि वेन वी यूज़ मिनिमम स्पीड देन द, कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाओ मिनिमम के लिए कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन ये है, और मैक्सिमम के लिए करेंगे तो इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर, अब यहाँ पर C/B का तो किस्सा हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्या होगा, सेम है दोनों की वैल्यू, तो इसको हटा दो। FS1 ये तो भाई हमें निकालना है तो ये हमें लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, M कैपिटल M हमें कितना दे रखा है, 4 9.81 माइनस F की वैल्यू दे देगी 30 इज इक्वल टू 2। अब जो हमने F1 निकाला था यहाँ पे मेहनत करके, इस F1 को निकालने के लिए ये निकालना पड़ा, तो ये सब तामझाम किसके लिए था, F1 के लिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए था। तो F1 कितना है, 548, तो 548 यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, FS1 4 को मल्टीप्लाई करोगे 9.81 से, 30 माइनस करोगे तो क्या आता है, अब तो मुझे याद भी हो गया है, 9.24। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आई है इक्वल टू, ये आप इसको ऐसे कैसे रहने दो। तो मतलब मेन क्या है हमारा, सॉल्व जब हम इसको कर रहे हैं तो हमारे पास में वैल्यू किसकी निकल के आएगी, FS1 की। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ कैलकुलेटर से सॉल्व करके, कितनी आ रही है, 1086.76। ठीक है, 4 से तो यूनिट क्या आएगी, न्यूटन आएगी। ये मेरा क्या निकल के आया है, FS1 निकल के आया है, FS1 निकल के आया है। सेम FS2 निकालना है, तो FS2 कैसे निकालेंगे, हम जस्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे दूसरी वाली FS2 के लिए, मैक्सिमम कंडीशन के लिए यूज़ करेंगे इक्वेशन, क्या थी, FS2 प्लस MG, यहाँ पे प्लस आएगा F, क्लियर, 2F और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई C/B, C/B को तो हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे क्योंकि वो सेम है। तो FS2 ऐसे का ऐसे ही प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 9.81 प्लस 30। पहले 4 को 9.81 से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आता है उसमें 30 ऐड करना। ठीक है, बेसिक है पर बता दिया। 2 F2 कितना है, 987, और C/B को क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है तो 1 हो गया, तो इसको छोड़ देते यहाँ पर। तो ये आ गया, अब इसको आप सॉल्व करना, इसको फिर इधर लेके जाना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ FS2। सिंपल कैलकुलेशन है, आई होप यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो FS2 कितना निकल के आएगा हमारा, उसकी मैं डायरेक्ट आपकी वैल्यू बता देती हूँ FS2 की। FS2 की वैल्यू आ रही है 1904.76 न्यूटन। क्लियर, तो ये हमारे पास में FS2 भी निकल के आ गया है, FS1 हमने निकाल लिया है। तो अब हम क्या इजीली निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इजीली के जो है हमारा, वो है स्टिफनेस, जो हमें निकालनी है। क्या होता है फॉर्मूला, FS2 माइनस FS1 अपॉन डिफ्लेक्शन बोलो, स्लीव मूवमेंट बोलो, या जस्ट सिंपल H, ये समझा चुकी हूँ पहले इसलिए लिखा है। क्लियर, अब यहाँ पर क्या है,
एफ एस टू माइनस एफ एस वन, एफ एस टू की वैल्यू कितनी है 76 माइनस 1086.76, ये वैल्यू है अपॉन एच। अब जब हमने क्वेश्चन देखा था न्यूमेरिकल, अभी तो हम देखो यहाँ पर क्या पूछा है, के की वैल्यू पूछी है, न्यूटन पर एमएम में पूछी है, तो स्मार्ट बन के एच की वैल्यू मीटर में मत लिखना, जस्ट हम क्या करेंगे 25 हम एमएम में ही निकालेंगे, एमएम में ही उस वैल्यू को रखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू आ रही है 32.75 यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर एमएम, किसकी वैल्यू निकली है के की वैल्यू निकली है। अब इतनी मेहनत करिए तो एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पर, ये हमारा दूसरा आंसर है, पहला आंसर ये था, दूसरा आंसर ये है, क्लियर। के भी हमने निकाल लिया है। अब हमें आगे भी अभी पूछा है, छोटा सा चीज़ पूछी है, जस्ट 90% न्यूमेरिकल डन है हमारा, थोड़ा सा बचा है वो हम और कर लेते हैं। हमसे पूछा है इनिशियल कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, क्या पूछा है इनिशियल कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, मैंने बोला था अभी पूछा है, तो जस्ट इनिशियल कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, उसे हम स्ट्रेन बोलते हैं। और हुक भाई साहब जो हमारे थे एक हुक्स, उन्होंने बोला था जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं जस्ट ब्रीफली आपको बता रही हूँ, हमें ये पूरा पीएचडी नहीं करनी है कि फॉर्मूला कैसे निकल के आया है, जस्ट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कंसेप्ट, वो आप देखो। स्ट्रेस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, मतलब जो आपका फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो आपका चेंज हुआ है, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्प्रिंग कंप्रेशन, ठीक है, जो इनिशियली स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल, और कोई कॉन्स्टेंट आएगा, वो यहाँ पे मैं लिख दिया के, और इनिशियल कंप्रेशन को, स्प्रिंग कंप्रेशन को मैं आई सी लिख देती हूँ अभी, ताकि मुझे बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े बार बार, एंड ये एफ। तो मतलब अगर मुझे इनिशियल कंप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ आई सी इनिशियल कंप्रेशन, तो वो क्या होगा, फोर्स अपॉन आपका स्टिफनेस, के क्या है आपका कॉन्स्टेंट है जो आपकी स्प्रिंग स्टिफनेस को शो करता है, तो ये आपका निकल के आता है। तो फोर्स आपका कौन सा लगेगा यहाँ पर, फोर्स आप यूज़ करोगे एफ एस वन, जो स्प्रिंग फोर्स है एफ एस वन वो यूज़ करोगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, इनिशियल कंप्रेशन जब भी आपको स्प्रिंग का निकालना हो तो आप एफ एस वन अपॉन जो स्टिफनेस है वो लेके चलना। ये सब कुछ आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर लो। तो जब भी अगर पूछे एग्ज़ाम में तो आप ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लो। वैल्यू फॉर्मूला क्या है आपका, एफ एस वन, एफ एस वन अभी हमने निकाला था 1086.76, तो 1086.76 डिवाइडेड बाई के, के अभी हमने निकाला, ये अभी 32.75, जस्ट बहुत सिंपल सॉल्व करना है। इसको जब आप करते हो तो आपका आएगा 33.2, ये आपका आया है इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग मतलब कि कुछ ना कुछ यूनिट तो मेंशन करनी पड़ेगी ना, तो क्या यूनिट मेंशन करेंगे, ये आपका था न्यूटन और ये आपका था न्यूटन पर एमएम, तो न्यूटन से न्यूटन तो कैंसल आउट हो गए, नीचे की तरफ जो एमएम बचा वो ऊपर चला गया, तो क्या बनेगी इसकी यूनिट, एमएम बनेगी, ठीक है। तो ये यूनिट ना लिखने के मार्क्स कटते हैं, तो ये आप ज़रूर लिखना, और सही यूनिट लिखना, गलत के मार्क्स कट भी जाते हैं, क्लियर। चलो हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा एक और आंसर निकल गया है इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो जो तीन चीज़ें हमने क्वेश्चन में पूछी गई थी हमसे, वो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। अच्छे से न्यूमेरिकल देखना, नहीं समझ में आए कहीं पे बीच पे अटक जाओ, नींद आ जाए तो वापस से चला के देख लेना, आई होप पूरा समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।